गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं स्टेटिस्टिक्स चैप्टर से जो है एक टॉपिक है मीडियन। तो मीडियन में जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी जो मीडियन का क्वेश्चन आता है उसमें दो फ्रीक्वेंसी को मिस कर दिया जाता है, यानी कि दो फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दिया रहता है और बोला जाता है कि दोनों फ्रीक्वेंसी बताने के लिए। जैसा कि एक क्वेश्चन मैंने पहले ही बोर्ड पर नोट कर लिया है ताकि आप लोगों का जो है ना टाइम ज़्यादा व्यर्थ ना हो इस वीडियो को देखने में। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक टेबल दिया हुआ है, इसमें दो फ्रीक्वेंसी मिस है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा है, एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है। ये क्वेश्चन बच्चों 2013 जो है CBSE एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यह क्वेश्चन है मीडियन का क्वेश्चन, जबकि मुझे मीडियन दिया हुआ है। मीडियन क्वेश्चन पहले बोल दिया 32 है मीडियन और n कैपिटल n बराबर 100। कैपिटल n जो होता है बच्चों वो होता है सिग्मा FI, यानी कि टोटल जो फ्रीक्वेंसी का सम है ना उसको कैपिटल n से डिनोट करते हैं। ये RS अग्रवाल में कैपिटल n से डिनोट किया है, लेकिन NCERT में जो है ये स्मॉल n से ही डिनोट किया है। तो कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल n हो कैपिटल n हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि मीडियन में अगर डबल फ्रीक्वेंसी मिस हो, यानी कि दो फ्रीक्वेंसी अगर मिस हो, तब हम लोग सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल आपके सामने लिखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक चार्ट तैयार करेंगे। तो चलिए चार्ट तैयार करते हैं। एक चार्ट बच्चों हम लोग तैयार करेंगे, इसमें तीन जो है ना वर्टिकल लाइन दे देना। तीन वर्टिकल लाइन किस लिए देंगे, जस्ट मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला तो होगा क्लास इंटरवल का, उसके बाद होगा फ्रीक्वेंसी का, उसके बाद होगा CF यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो क्लास इंटरवल आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। ये बच्चों आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। फ्रीक्वेंसी देखिए एक है 10, उसके बाद है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब क्या कीजिए ना, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ना उसको कुछ मान लीजिए, जैसे मैं इसको एक्स ले लेता हूँ और इसको वाई ले लेता हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चन में एक सॉल्यूशन में एक लाइन लिख देना है, लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज बी एक्स एंड वाई, ठीक है। तो पहला वाले को मैं लिख देता हूँ एक्स, उसके बाद है 25, उसके बाद है 30, फिर एक मिस है तो y हो गया, उसके बाद हो गया 10 हो गया, ठीक है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। आपको पता है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, जो पहला फ्रीक्वेंसी होता है ना उसको सेम लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ से जोड़ना शुरू कर देते हैं। ये 10 है, इसमें x जोड़ेंगे 10 प्लस x हो जाएगा, फिर इसमें 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35 प्लस x हो जाएगा, फिर इसमें 30 जोड़ेंगे तो 65 प्लस x हो जाएगा, फिर y जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65 प्लस x प्लस y हो जाएगा, फिर इसमें 10 जोड़ेंगे बच्चों तो 75 प्लस x प्लस y। ये जो मेरा टेबल था ये टेबल मेरा तैयार हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला से बहुत बातें क्लियर हो जाएगी कि हमें ज़रूरत किन किन चीज़ों की है। तो मीडियन का फार्मूला मैं सबसे पहले लिख देता हूँ कि मीडियन का फार्मूला क्या होता है। ये होता है L प्लस एच इंटू एन बाय टू माइनस CF बट्टा F, ठीक है। तो L क्या होता है, L होता है बच्चों लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। H जो होता है ना वो होता है डिफरेंस ऑफ इंटरवल, इंटरवल जो दिया रहता है ना उसका डिफरेंस। और ये CF जो है ये होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसमें से ये आएगा। और ये F जो है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। और ये जो n बटे टू है ना ये सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी का आधा होता है, यानी कि ये कह सकते हैं कि सिग्मा FI बराबर कैपिटल N होता है, उसका अगर हम लोग आधा कर दें तो वही n बटे टू हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते थे, नॉर्मल क्वेश्चन उसमें जो हम लोग मीडियन क्लास फाइंड आउट करते थे उसका तरीका ये होता था, जैसा कि मेरे वीडियो में आप लोग देख चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाके पहले वो देख ले।
तो अगर हम टोटल फ्रीक्वेंसी को सम करते हैं, तो क्वेश्चन मुझे पहले ही बोल दिया था कि टोटल फ्रीक्वेंसी का सम जो है ना वो 100 है, यानी कि सिग्मा एफ आई बराबर 100, इसी को हम लोग कैपिटल एन बोलते हैं। तो जब बच्चों इसका आधा करेंगे तो 100/2 इज इक्वल्स टू 50, ये हो जाएगा 50। अब हमें क्या करना पड़ता था, ये 50 से जस्ट ग्रेटर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में देखना पड़ता था, वो जो जस्ट ग्रेटर होता था वही वाला क्लास जो है मीडियर क्लास हो जाता था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी हम लोगों को नहीं करना है, ऐसा कुछ इसीलिए नहीं करना है क्योंकि इसमें हमें मीडियन ऑलरेडी दे चुका है। तो जिस क्वेश्चन में बच्चों हमें मीडियन दे देगा, उस क्वेश्चन में मीडियन क्लास को फाइंड करना बहुत ही सरल है। तो मीडियन दे दिया 32, अब हमें देखना है कि किस इंटरवल के अंतर्गत जो है 32 आता है। आप देखिए 30 और 40, ये जो 30 से 40 दिया होगा, क्या 32 जो है इसके अंदर नहीं आएगा क्या? इसका मतलब ये हो गया 30 से 40 वाला जो रेंज हो गया ना आपका, ये हो गया मीडियन क्लास का। चलिए इसको पूरे तरीके से हम लोग क्या करते हैं, घेर देते हैं, यानी कि ये हो गया, यहाँ शॉर्ट में आप MC लिख दीजिए, MC यानी कि मीडियन क्लास, ये हो गया आपका मीडियन क्लास। तो बच्चों L जो होता है ना, L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो देखिए ये जो आपका 30-40 इंटरवल है ना, ये 30 हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट, तो L बराबर होता है लोअर लिमिट। तो जब मैंने मीडियन क्लास को फाइंड आउट कर लिया है तो L मेरा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब एच देखिए, डिफरेंस ऑफ द इंटरवल होता है, डिफरेंस ऑफ द इंटरवल, यहाँ देखिए अपर लिमिट है 40, लोअर लिमिट है 30, तो 40 में से जब हम 30 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद हमें ज़रूरत है n/2 की, तो चलिए n/2 देखिए, n/2 n हमें क्वेश्चन 100 दिया था, उसका आधा करना है तो वो हो जाएगा 50 हो जाएगा। उसके बाद है CF, अब देखिए CF कैसे निकालते हैं, ये जो बच्चों आपका दिया हुआ है, ये जो क्लास है ना, तो हम जो घेरे हैं तो CF में हमने घेरा है किसको, 65+X को घेरा है, लेकिन CF ये नहीं होगा, इनसे जस्ट पहले वाला होता है, प्रीसीडिंग ऑर्डर जस्ट पहले। तो CF जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 35+X हो जाएगा। अब एक चीज़ अपना लोग को बच गया है F, अब F क्या होगा, तो देखिए बहुत सरल है, मीडियन क्लास मेरा ये है और एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो ये मेरा मीडियन क्लास है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 30, तो एफ बराबर हो जाएगा कितना बच्चों, 30 हो जाएगा। मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है, तो ऊपर हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा रब कर देते हैं ताकि हम ऊपर कुछ काम कर सकें। चलिए अब मेरे पास में इस फार्मूला में जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सारी ज़रूरतें मुझे यहाँ पर मिल चुकी हैं, तो चलिए फार्मूला का अप्लाई कर देते हैं। देखिए मीडियन मैंने पहले बोला था 32 दिया हुआ है, तो मीडियन की जगह हम दे देंगे कितना, 32, L मेरे पास में है 30, H है मेरे पास में 10, n/2 मेरे पास में है 50 और CF है 35+X और F मेरे पास में कितना, 30 है। लगता है थोड़ा इसे भी मिटाना पड़ेगा, चलिए इनको भी थोड़ा सा मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए तो देखिए ये 30 जो है ना, 30 जो है, अगर इसको हम LHS में लाते हैं तो जैसे LHS में आएगा तो ये हो जाएगा 32 और माइनस हो जाएगा 30, इधर है 10, तो 50 इसको कोष्ट से बाहर कर देते हैं, 35-X हो जाएगा, यहाँ बट्टा में हो गया आपको 30 हो गया। अगर इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं तो 32 में से 30 जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे 10 और यहाँ हो जाएगा बच्चों 15-X हो जाएगा, अब बट्टे में है कितना, 30, इसको काट देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अगर दिक्कत नहीं है तो अगर यहाँ पे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 2 जा हो जाएगा 6 और इधर बचेगा 15-X बचेगा। चलिए बाकी का काम यहाँ कर लेते हैं, 6 इज इक्वल्स टू 15-X, इसको इधर लाते हैं LHS में,
इधर हो जाएगा माइनस नाइन इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, माइनस माइनस कट गया, यानी कि एक्स का वैल्यू बच्चों जो हमें निकल गया वो निकल गया कितना, नाइन, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गया। तो एक फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गया नाइन, हमें तो डबल फ्रीक्वेंसी का डिमांड है यहाँ पर, तो एक फ्रीक्वेंसी नाइन हो गया। उसके बाद देखिए ये वाला जो होता है ना कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का जो सबसे अंतिम फ्रीक्वेंसी होता है ये टोटल फ्रीक्वेंसी का सम होता है, ये जो लास्ट वाला होता है ना कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का ये टोटल फ्रीक्वेंसी का सम होता है। तो वो मुझे दिया हुआ है 75 प्लस एक्स प्लस वाई, और टोटल फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन हमें पहले बोल दिया था कि 100 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस वाई बराबर 100, ये 75 चल जाएगा RHS में। तो यानी कि आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 25, और मेरे पास में x का वैल्यू निकल चुका है कितना, 9 निकल चुका है, तो x को 9 से रिप्लेस कर देते हैं, y बराबर 25, तो y बराबर 25 माइनस 9, तो y बराबर हो गया आपको 16 हो गया। यानी कि दो फ्रीक्वेंसीज जो यहाँ पर मिस थी, एक x और एक y को मैंने मान लिया था, तो x निकल गया 9 और y निकल गया 16। अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें कौन सा सेक्शन आपको समझ में नहीं आया हो, तो हम उस कमेंट में उसका रिप्लाई करेंगे। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।